ओ पानी पानी किसने डाला यार? निकम्मो निठल्लो, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? मायके में आए हो क्या? इससे अच्छा तो मायका ही है हमारा। ऐसी की तैसी तुम्हारी, सारा घर बिखरा पड़ा है। चलो उठो काम करो। देखिए ना सुमी दीदी, हमारे दामाद कितने काम चोर है, बस सोना और खाना ही आता है इनको। हम नहीं करेंगे कोई काम, हम जाओ। क्या कहा, नहीं करेंगे? रुक अभी बुलाती हूँ इशिमा को। अब हाँ करते ना, करते हैं, इशिता को मत बुलाओ। जी हाँ, जमाइयों की ऐसी खातिरदारी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। बिना पंखे के किचन में सोना, पानी की बौछार के साथ सुबह उठना और फिर घर के बर्तन घिसना, ऐसा ही होता है भल्ला परिवार में स्वागत जमाइयों का। क्यों सुधा जी, कैसी रही? मेरे करण अर्जुन आएंगे। कब आएंगे? नहीं आएंगे तो जरूर। ठीक है, अभी गए हैं उनके घर पे। इट्स अ नाइस इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, बिकॉज हम हमेशा देखते हैं कि लड़कियों के साथ अत्याचार होता है, बट यहाँ पहली बार लड़कों के साथ अत्याचार होता है। सो नारी शक्ति की बात हम कर रहे हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ दामादों की रेल बनी हुई है, तो वहाँ रमन अपनी रिवॉल्वर के साथ बदले की आग में जल रहे हैं और किसी भी तरह रूही और आलिया के साथ हुए धोखे का बदला लेना चाहते हैं, और इशिता रमन का गुस्सा शांत कराने की जुगत में भिड़ी है। सुधा श्रीवास्तव ऐसी क्या रहा, ऐसी औरत नहीं है जिसकी जिंदगी में बहुत देर तक ग्रहण लग जाए। ग्रहण को मिटा के वो आगे निकलेगी। कहीं भी निकलेंगी, सामने इशिता को खड़ा पाएंगी, क्योंकि आप इशिता को जानती हैं कि वो जल्दी हार नहीं मानने वाली। अब वो भी नहीं छोड़ती, बिकॉज शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमन, जो हर चीज के मतलब डट के मुकाबला करती है। फिलहाल बाजी भल्लास के हाथों में है, अब देखते हैं अपने बेटों को नाम का घर जमाई बनाकर सुधा अब कैसे करती हैं रमन और इशिता पर पलटवार। आकिब खान, मुंबई आज तक।